आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों के बीच में कभी अपनी गाड़ी से या बाइक से एक लॉन्ग ड्राइव की जाए, या फिर पहाड़ों के बीच में से जब हम गुजर रहे हों वहीं किसी होटल पर रुक करके एक बढ़िया सी कॉफ़ी या चाय पी जाए। खैर, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब भी हम पहाड़ों की जिक्र करते हैं, ठीक है, या हाई एल्टीट्यूड जोन की बात करते हैं, तो हमें एक चीज़ ज़रूर याद आती है, कनेक्टिविटी की, कि वहाँ जाया कैसे जाए। जैसे आप इंडिया का एग्ज़ाम्पल लें तो इंडिया में जो भी हिल स्टेशन्स हैं, ज़्यादातर ठंडियों में वो वहाँ पर जाना काफ़ी मुश्किल होता है। बर्फ़ की चादरें और दुर्गम स्थान ना, उनको जाना, उनको भेद करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में वहाँ पर सड़कों का होना काफ़ी अहम होता है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आप कभी पहाड़ों पर गए हैं, ठीक है, आई वॉज लकी टू बी देयर, हम लोग नॉर्थ इंडिया के प्लेन में रहने वाले लोग हैं लेकिन पहाड़ों पर जाने का मौका मिला हुआ है, तो पहाड़ों की रोड कितनी खूबसूरत होती है ना, कितने अच्छे से उन्हें मेंटेन किया जाता है। ऐसे में एक प्रश्न तो लाजमी है उठना कि क्या ये रोड वही कॉन्ट्रैक्टर बनाता है जिसने आपके गांव की रोड बनाई और जिसमें अगले ही सीज़न बारिश होने पर उसमें गड्ढे हो गए? नहीं नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर वो रोड नहीं बनाता है जो पहाड़ पर रोड आपको दिखती है। हमारे जो पहाड़ के क्षेत्र हैं अपने देश में, पहाड़ के जितने भी स्टेट हैं, वो ज़्यादातर इंडिया, चाइना या नेपाल बॉर्डर से लगते हुए हैं। तो ये जो बॉर्डर के एरियाज में रोड बनती है ना दोस्त, इसको BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ये BRO है क्या कि इसकी जिम्मेदारी होती है कि बॉर्डर पर सड़क बनाना है, उसको मेंटेन करना है। इसके अलावा BRO हेलीपैड्स, ब्रिज, एयरफील्ड्स और दुर्गम से दुर्गम स्थान पर को जोड़ना होता है या इसी सारे कार्य को करने में माहिर होता है। सन 1960 से ही, पंडित नेहरू जी के ज़माने से, BRO ने इस देश में सड़क बनाकर देश के कई स्थानों को जोड़ने का कार्य किया, और सिर्फ स्थानों को नहीं जोड़ा, लोगों के दिलों को भी जोड़ा है। दो मुफ्त की बातें आपके लिए BRO के बारे में ये हैं कि इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही है, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका हेडक्वार्टर भी ऑफकोर्स न्यू दिल्ली में होगा। BRO की बात हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि BRO ने एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट किया है जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए। BRO ने हाल ही में अटल टनल को कंप्लीट किया है। अटल टनल का इम्पोर्टेंस ये है कि जिस समय इंडिया चाइना के बीच टेंशंस हाई हैं, ठीक है, ऐसे में इंडियन आर्मी को मनाली से सीधा लेह जाने में 5 से 6 घंटे की बचत होगी, तो इंडिया और इंडियन आर्मी के लिए यह एक स्ट्रेटजिक टनल होगी। इस टनल की जो लंबाई है वो 9 किलोमीटर है लगभग, और 10.5 मीटर चौड़ी है, 5.52 मीटर ऊंची ये टनल है, और इसमें काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग वर्क्स आपको देखने को मिलता है। इमरजेंसी एग्जिट हैं, हर 1500 मीटर पे कॉलिंग की सुविधा है, और बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है। लगभग 750 परमानेंट इंजीनियर्स एंड मोर देन 2000+ अदर वर्कर्स के साथ बनाई गई ये टनल, जिसकी लागत 3200 करोड़ रुपए थी। हालांकि ये फाइनली बनकर तैयार हुई है, और ये टनल भारतीय सेना के लिए एक स्ट्रेटजिक पॉइंट है, एक स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस है, जिसका भविष्य में भारतीय सेना और सेना के जवानों को लिए और ऑफकोर्स नागरिकों के लिए, इसका ट्रैफिक ये भी कैलकुलेट किया जा रहा है कि लगभग 3000 कारें डेली इससे होकर गुजरेंगी, 1500 ट्रक्स निकलेंगे, और सर्दियों में कोई ट्रैफिक नहीं होगा, ठीक है। अब जो लेह लद्दाख का एरिया है जो सर्दियों में, या मनाली स्पीति का जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हाल्ट हो जाता था, घंटों घंटों लग जाते थे, अब उसका वेट नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ BRO। BRO का की वेबसाइट पर आप जाएंगे, आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो 2-3 चीज़ें आपको और भी मिलेंगी। जैसे BRO का काम सड़कों को बनाना ही नहीं होता है, उसको मेंटेन करना होता है। BRO कुछ पड़ोसी राज्यों के साथ, जैसे पड़ोसी जो मित्र राष्ट्र होते हैं उनके यहाँ भी सड़क बनाता है। BRO वार के समय, जब अपना देश किसी देश दूसरे देश के साथ वार पर होता है, ऐसे समय जो भी समस्याएं आती हैं उनको तुरंत एड्रेस करने के लिए, या फिर कोई डिज़ास्टर होने
के समय बीआरओ तत्पर रहता है। तो हेड्स ऑफ बीआरओ फॉर हिट्स कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल मेकिंग, उसने सिर्फ देश को नहीं जोड़ा है, लोगों के दिलों को भी जोड़ा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बीआरओ। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। हैव अ गुड डे।